Assalamualaikum. I hope you will be fine. हाँ जी, आप लोगों ने दो दिन का काम कर लिया होगा और कोशिश करें कि काम साथ साथ करते रहें, जो क्लास वर्क है वो भी और आज का जो होमवर्क है इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको होमवर्क कॉपी पे आपने करना है. आज भी हम एक्सरसाइज 1A ही कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 4. उसमें जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है लिखा हुआ, गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 9801 इज 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर. हाँ जी, इस क्वेश्चन में आपको ये इंडेक्स नोटेशन दी गई है और इंडेक्स नोटेशन दी है 9801 की और उसको उन्होंने लिखा है स्क्वायर रूट के साइन में. इट मींस कि यहाँ पर जो इंडेक्स नोटेशन है वो किसी भी दो नंबर्स का स्क्वायर बनता है. अब यहाँ पे पावर है 4, 4 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. सबसे पहले तो आप यहाँ लिखेंगे इंडेक्स रोटेशन ऑफ 9801 स्क्वायर रूट साइन एंड देन यू हैव टू राइट 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर. ये लिखा जाएगा इंडेक्स रोटेशन में. अब आपको पता है कि 4 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है 3 की पावर 2. इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2. इनको फिर आप स्क्वायर रूट के साइन से, जैसे आपको पहले पता है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं. जब कोई नंबर का स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साइन में वो बाहर आ जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 3 3 9 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 99. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में सेम इसी तरह से आपके पास इस नंबर का 21952 का उन्होंने क्यूब रूट लिया हुआ है और इंडेक्स नोटेशन आपको दी हुई है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3. इट मींस के इंडेक्स नोटेशन ऑफ 21952 इन क्यूब रूट फॉर्म, क्यूब रूट के बाहर आपने 3 ज़रूर लिखना है और इसको लिखे बगैर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता. अगर कहीं भी क्यूब रूट है आपने उसको सबसे पहले बाहर 3 लिखना है. इसमें आपके पास 2 की पावर 6 देन 7 की पावर 3. क्यूब रूट में आप जानते हैं कि कभी भी कोई नंबर जब क्यूब रूट के अंदर लिखा जाता है तो उसकी पावर 3 होनी चाहिए. अब यहाँ पे 6 है, 6 को आप फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3. देन क्यूब रूट में जब क्यूब है किसी नंबर का तो फिर वो कैंसिल हो जाता है और उसको हम बाहर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.